बी कॉम कर सकते हो यू माइट बी डूइंग बी कॉम यू माइट बी डूइंग अदर एग्जाम्स थ्री ईयर एग्जाम्स लाइक बी सी ए बी एस सी आई बी एस सी है ना बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप uh, कर रहे हो सकते हो बी ए बी एस सी ऑल दीज आर थ्री ईयर्स एग्जाम तो यू कम्प्लीट योर एजुकेशन इन थ्री ईयर्स देन यू माइट बी डूइंग योर इंजीनियरिंग विच इज़ अ फोर ईयर एग्जाम

तैयारी के लिए टाइम निकाल सकते हो कैसे कर सकते हो आप और क्या करना है आपको अगर आपने इस ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है सम टाइम आई हैव सीन हैपनिंग इट्स इट दैट आर सो मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सी दे हैव अ ड्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज इन दियर माइंड राइट फ्रॉम प्लस वन प्लस टू बट सम हाउ डू टू लैक ऑफ गाइडेंस डू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग दे हैपन टू वेस्ट देयर प्रशियस थ्री और फोर ईयर्स द ईयर्स विच जे कुटेड इन स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसज लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो जो तीन साल हैं या चार साल हैं वो वेस्ट हो जाते हैं बट आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है बच्चों में एंड बच्चे कई मैंने देखे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिकली लेक्चर इज़ मैंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू जो कुछ करना चाहते हैं और अपनी ग्रेजुएशन को यूजफुल बनाना चाहते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन तो यही है बेसिकली कि वाई आई शुड प्रिपेयर फॉर वाई आई शुड प्रिपेयर फॉर अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन है ना क्यों मुझे अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी है इसका फर्स्ट ऑब्वियस देखो रीजन तो यही है कि लॉट ऑफ टाइम इज देयर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इज देयर है ना बहुत सारा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है है ना एंड अगर आप पूरी अपनी ग्रेजुएशन देखें अलॉन्ग विद योर स्टडीज ऑफ ग्रेजुएशन आप थ्री टू फोर आवर्स थ्री टू फोर आवर्स अगर आप अपनी ग्रेजुएशन सीरियसली कर रहे हो तो निकाल सकते हो यू कैन ऑलवेज टेक आउट दिस थ्री टू फोर आवर्स ऑफ स्टडी है ना और अगर आप ग्रेजुएशन लाइटली कर रहे हो अपनी तो आप सिक्स टू एट आवर्स भी निकाल सकते हो लाइटली का मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस कंपल्शन नहीं है आपको आपके सब्जेक्ट्स ईजी हैं एंड आप आसानी से कर सकते हो तो ऐसी कोई बात नहीं आप छः से आठ घंटे भी अपने ग्रेजुएशन uh, के साथ साथ निकाल सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग एनी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी आप तैयारी करना चाहते हो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है ठीक है ना और सेकेंडली क्या है सेकेंड रीजन वाई शुड प्रिपेयर लॉन्ग विदुएशन टाइम इज चेंग वेरी फास्ट मतलब सपोज यू विजुलाइजन की आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ग्रेजुएशन कर लिया आपने नाउ नन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आई एस पहले एक दो साल तो आप तैयारी करने में निकाल दोगे है ना सपोज यू आर ग्रेजुएटिंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स एंड यू थिंक दैट अब मैं स्टार्ट करता हूँ तैयारी करने ट्वेंटी टू या ट्वेंटी टू लगा लो आप ट्वेंटी टू ईयर्स में आप ग्रेजुएशन कर लेते हो फिर आप एक साल तेईस चौबीस साल तक आप ट्वेंटी फोर्थ ईयर में आप पहला अटैम्प्ट देते हो ठीक है ना तो दो तीन अटैम्प्ट यू पी एस सी में कई बार लग जाते हैं है ना और आप ट्वेंटी फाइव हो गए ट्वेंटी सिक्स हो गए ऐसे मतलब टाइम निकलता जाता है सो इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम इट्स ऑल्सो अबाउट एंगजाइटी क्योंकि आप आप ग्रेजुएशन कर चुके हो एंड देन यू थिंक कि मेरा फ्यूचर क्या होगा राइट right? और इस तैयारी के साथ साथ आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ती रहती है टेंशन भी बढ़ती रहती है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा एंड यू यूर सी योर एज फ्लाइंग एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर प्राइम ईयर ऑफ एज ईयर इन योर प्रिपरेशन तो अब ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा बन के सामने आ रहा है बच्चों के सामने कि अगर वो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो कितना आगे तक उनका करियर पोस्टपोन होता है अगर हो गया तो बहुत अच्छा लेकिन हमें नेगेटिव भी सोच के चलना है भाई अगर नहीं हुआ तो सोचो ना कि आप 26, 27 इयर्स की एज में कहीं नहीं हो देन यू आर अगेन री स्टार्टिंग योर करियर यू आर डूइंग सम पोस्ट ग्रेजुएशन आप कोई जॉब की तलाश में चल रहे हो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा सो प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ डिजाइनिंग लाइफ ऑल्सो कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से देख रहे हो है ना इसको नॉन सीरियसली नहीं लेना है कि नहीं मेरा पक्का हो जाएगा अब नहीं हुआ तो हो जाए बहुत अच्छा है लेकिन ये सोच के कि भाई मेरा हो जाएगा आप अभी अपना ग्रेजुएशन का टाइम क्यों वेस्ट करो है ना तो दिस इज सेकंड फैक्टर नाउ थर्ड फैक्टर वाई यू शुड प्रिपेयर विद ग्रेजुएशन इज दैट इट इंक्रीज योर अफेक्टिवनेस ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीजेज अफेक्टिवनेस ऑफ ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएशन के अंदर भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो बिकॉज आपको पढ़ने की आदत पड़ जाती है एंड आपके ग्रेजुएशन के अंदर स्कोर जो है आपका अचीवमेंट आपकी बढ़ जाती है एंड देन योर सेल्फ एस्टीम राइजेस कि हाँ देखो मैं अपनी ग्रेजुएशन में भी टॉप कर रहा हूँ या मेरे अपर में नंबर आ रहे हैं देन डेफिनेटली आई विल जो है अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ मैं दैट इंक्रीजेज योर सेल्फ एस्टीम और उसे एक साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है बिकॉज यू आर नाउ इन्वेस्टिंग प्राइम ईयर्स ऑफ लाइफ इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव ठीक है ना एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फैमिली ना वंस यू प्रिपेयर अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन योर फैमिली इज ऑल्सो वेरी हैप्पी पेरेंट्स आपके हैप्पी होते हैं कि हमारा बच्चा देखो कितना रिस्पॉन्सिबल है ये अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन अपने करियर के बारे में सोच रहा है एंड दैट अगेन इंड्यूसिस पॉजिटिविटी विद इन द फैमिली परिवार को भी लगता है कि यार और आपके ब्रदर सिस्टर दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाई यू योर इंटायर एक्सटेंडेड फैमिली योर फ्रेंड सर्कल तो यू बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो दैट ऑल्सो फील्स यू विद पॉजिटिविटी क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है एंड देन यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल है ना तो एक अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड ड्रॉ सेंस ऑफ प्राइड इन योर कि हाँ यार मैं तैयारी कर रहा हूँ आई एम डूइंग प्रिपरेशन एंड आई विल प्रिपेयर विद होल पॉजिटिविटी एंड आई विल ऑल्सो गिव माई पॉजिटिविटी टू वर्ड टू अदर्स ठीक है ना तो अल्टीमेटली ये आपका रीजन है कि वाई यू शुड गो विद गो फॉर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन है ना तो मतलब आइडिया इसकी आप अपने लिए काम कर रहे हो यार इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस आप अपने करियर अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर करियर एट द एज ऑफ नाइन एटीन ईयर्स अठारह उन्नीस बीस इक्कीस है ना मतलब आप सोचो कि आप और कितना टाइम लगाना डेली दो तीन चार घंटे लगाने हैं बस एंड अगर देखो आप कितना लाइफ में ग्रो कर सकते हो कितना कॉन्फिडेंट हो सकते हो सो यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट देन यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स देन यू आर डूइंग इट फॉर द होल सोसाइटी तो ये एक फीलिंग अंदर लेके आनी है कि मैंने अपना लाइफ बनानी है इट्स नॉट अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ जॉब इट्स अबाउट माई होल लाइफ एक बच्चा बाईस साल की उम्र में आई बन जाता है और एक बच्चा अट्ठाईस साल की उम्र में बन रहा है बहुत जमीन आसमान का फर्क है बाईस साल वाला जो बनता है आई वो कहाँ जाएगा सोचो ही हैज़ अ अपॉरचुनिटी टू बी टू बी कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट अगर वो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बनता है तो वो अच्छे आठ नौ साल चीफ सेक्रेटरी रहेगा घर उस पो, पोस्ट पे रहेगा चीफ सेक्रेटरी स्टेट टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो कम नहीं है और फिर वो डेपुटेशन पे जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड ही कैन बी सेक्रेटरी होम इंडिया सेक्ट्री एजुकेशन सेक्ट्री मतलब आप पूरी कंट्री की एजुकेशन डिपार्टमेंट हैंड कर सकते हो पूरी कंट्री का होम डिपार्टमेंट हैंड कर सकते हो है ना तो ये राइट right एज पे होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ अगर राइट right एज पे स्टार्ट करो एंड यू विल इन्जॉय योर प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ 22 साल की उम्र में आई बन गए आप देखो पूरी अपनी ट्वेंटीज आप यू आर सिटिंग ऑन अ सीट ऑफ पावर एंड एन्जॉइंग यू हैव द एर्जी यू हैव द पावर यू हैव द करेज टू डू थिंग्स जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है वो कम होने लगती है आपकी जो आ, कुछ करने की आ, इच्छा है वो कम होने लगती है है ना अब 28 साल की उम्र में आप अगर आई बनोगे ठीक है बन गए तो बहुत अच्छी बात है अगर लेकिन थोड़ी सी कंपल्शन इमीडिएटली मैरिज की कंपल्शन होगी कि अब मैं शादी कर लूँ फिर तीस साल के हो गए बच्चे भी पैदा करने हैं फैमिली आगे बढ़ानी है तो यही अलॉन्ग विद जॉब यही कंपलशन रहती हैं अगर राइट एज पे आप बनते हो सोचो यू विल यू हैव स्टिल फोर फाइव इयर्स टू गेट इन टू स्टार्टअप फैमिली यू कैन वर्कमलेंटली यू कैन वर्क विथ फुलील ठीक है तो ये बेसिकली है तो नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं सपोज आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो है ना आप अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट करते हो यू हैव आइर थ्री ईयर्स फॉर प्रपरेशन और फोर ईयर्स है ना ऑफ प्रपरेशन और फाइव ईयर्स है ना तीन चार पांच साल है आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो तीन साल आप तैयारी कर रहे हो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करो सो so दैट कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई का स्ट्रेस भी ना हो और आपकी तैयारी भी आराम से हो जाए तो ये प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब इस बात में ध्यान देने वाले ध्यान से समझना में आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से जो मैं पिछले पांच साल से देख रहा हूं दो सीनेरियोज हैं एक तो बच्चा ऐसा है जो वो सोचता है कि देर इज अनफ टाइम वो सोचता है कि बहुत टाइम पड़ा है कोई चक्कर ही नहीं है बाद में कर लेंगे तो वो तैयारी तो स्टार्ट करता है बट ही इज नॉट सीरियस प्रिपरेशन ही इज नॉट सीरियस प्रिपरेशन सीरियसनेस नहीं है उसके अंदर सीरियसनेस नहीं है उसके दिमाग में कहीं कही ना कहीं होता है कि ठीक है यार कर लेंगे हफ्ते में चार दिन क्लास लगाई तीन लगाई नहीं लगाई तो कोई बात नहीं आगे कर लेंगे बहुत टाइम पड़ा तीन साल पड़े हैं अभी तो दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन टेंट टू थिंक दैट दे विल डू एवरी थिंग इन फर्स्ट ईयर ओनली कि पहले साल में ही वो ऐसा सोचते हैं कि मैं आठ घंटे पढ़ लू दस पढ़ लूँ बारह पढ़ लू मेरा सब कुछ कवर हो जाए दिस अगेन इज अ वेरी वेरी रॉन्ग एटीट्यूड क्योंकि आप फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में सब कुछ कर लोगे तो बाकी दिन बाकी क्या करोगे और आपको लगता है और फिर क्या होता है अल्टीमेटली मैंने देखा है कि फॉल आउट होता है अल्टीमेटली वो इतना अपने आप को वियर आउट कर लेते हैं कि एक साल के बाद वो फर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि आप देखो प्लस टू करिए आपने आपका मेंटल लेवल भी तो फर्स्ट ईयर वाला है ना अभी फिर सेकंड ईयर वाला मेंटल लेवल होगा फिर थर्ड ईयर वाला होगा यू आर ग्रोइंग इन एज ग्रोइंग इन मेच्योरिटी तो आप जो काम थर्ड ईयर में करने वाला है वो फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते करोगे तो उसका कोई यूज नहीं है यू आर जस्ट ओवर स्ट्रेसिंग योर माइंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अगर ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेप्स में मूव करना है आपके पूरे तीन साल डिजाइंड होने चाहिए यार ये तीन साल है मेरे पास और ये तीन साल में मैंने फर्स्ट ईयर में ये करना है सेकंड में करना है, ये में करना थर्ड ईयर में ये करना ये नहीं है सब कुछ मेरा फर्स्ट ईयर में ही हो जाए सब कुछ मेरा सेकंड ईयर तक खत्म हो जाए थर्ड ईयर तक सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं करना अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर फेलियर यू टेक टेक मी रिटर्न फ्रॉम मी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर आप फेलियर के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हो अब आप अपने आप को फेलियर के लिए तैयारी कर रहे हो अपने आपको तैयार कर रहे हो फेलियर के लिए आपको बस ये सोचना है कि मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अगर है तो क्या आपको फर्स्ट ईयर में करना सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी समाइम्स कि भाई फर्स्ट ईयर में तैयारी शुरू कर दी सर मेरा ये हो गया मेरा हिस्ट्री हो गया मेरा पॉलिटी हो गया मेरा इकॉनमी नहीं हुआ वो बच्चे ये देख नहीं पाते कि अभी सेकंड ईयर पढ़ाए थर्ड ईयर पढ़ाए यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इन दिस वे ये बात क्लियर हो गई सबको अब आप देखिए फर्स्ट ईयर में क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है आपकी उसमें प्रायोरिटी क्या है आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपको यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ एन सी ई आर टी बुक्स एनसीआरटी बुक्स आपको सारी इकट्ठी करनी है यू कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एनसीआरटी बुक्स फ्रॉम अवर पोर्टल ऑल्सो अदरवाइज आपको एनसीआर टी की बुक्स सबकी मिल जाएंगी पर ऐसा नहीं है कि आप पचास एनसीआर टी सी इकट्ठी करके बैठ जाएं देर इज अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी एनसीआरटी जो आपने पढ़नी है तो पहले तो प्रायोरिटी है आपकी कि एन सी आर टी बुक्स आपको साथ में अपने रखनी है मैं बताता हूँ आगे कि कैसे उसको ले रहे हैं नौ सेकेंड आपकी प्रायोरिटी है कि आपको एक इजी न्यूज़पेपर मतलब इजी न्यूज़पेपर अपने साथ रखना है मैंने फिर देखा है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे हिंदू लेके बैठ गए अरे वो नहीं आपको आपके लेवल का ना ही अभी आपको टाइम उस पर लगाने की जरूरत है इजी न्यूज आप ले सकते हो जैसे यू कैन टेक इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ले लिया आपने इजी न्यूज़पेपर ले लिया सपोज इंडियन एक्सप्रेस ले लिया आपने टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो चाहे प्रायोरिटी आपकी क्या है कि फर्स्ट ईयर में कि आपने जस्ट एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू न्यूजपेपर को देखना इज हैपनिंग अराउंड यू लिख लो जी इज हैपनिंग अराउंड यू इज हैपनिंग एट नेशनल और नेशनल नो एनालिसिस कोई एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर में नहीं करना है और प्लीज हिंदू को आपने फर्स्ट ईयर में हाथ नहीं लगाना है ये ध्यान रखना हिंदू को आपने फर्स्ट ईयर में हाथ नहीं लगाना सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में एक ईजी इन्फॉर्मेशन की ये इंडिया में चल रहा है बिकॉज ही न्यूज पेपर इज असेंशली फॉर करंट अफेयर्स बाकी और चीजें भी हैं बट असेंशली फॉर करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन टू वन वन एंड हाफ ईयर्स बिफोर द ईयर इन विच यू विल अपियर इन द एग्जामिनेशन आज अगर आप अखबार को बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम यू आर जस्ट ट्रबलिंग योर ब्रेन ठीक है ना एनालिसिस नहीं करना है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जस्ट थर्टी मिनट्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मेंटरिंग लेक्चर के अंदर आपको आगे मिलेगा ये मैंटरिंग आगे आएंगे तो आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर कि क्या पढ़ना है उस पेपर मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट ईयर अगर मैं आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या आपने दो साल बाद पे पेपर देना है तीन साल बाद देना है तो आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है सिर्फ इतना इतना पढ़ना है आपको बिल्कुल डेमो दूंगा मैं न्यूज़ पेपर के साथ यहां पे न्यूज पेपर चला के पूरा आपको समझाऊंगा कि लेकिन समझना है फिर आपने ना तो एक फर्स्ट ईयर में आपके स्ट्रेस रहता है कि ईजी एस्पेक्ट ऑफ न्यूज पेपर देखना ठीक है अब थर्ड थिंग डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग ले रहे हो आइदर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी और यू आर टेकिंग कोचिंग ठीक है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए इसी पे ही जस्ट फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी बुक्स प्लस न्यूज़पेपर ये आपका चलेगा फर्स्ट ईयर में ठीक है ना अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो थ्री ईयर अपने टाइम फ्रेम में तो साथ में आपके कुछ लेक्चर्स भी चलेंगे एज पर द स्ट्रेटजी ऑफ द इंस्टीट्यूट कि कोई भी इंस्टीट्यूट क्या स्ट्रेटजी लेके चलता है उसके साथ वो लेक्चर लेके चलता है मैं अलग से एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा कि आपने कि सेल्फ स्टडी अगर करनी है तो किस तरह से सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो दैट विल बी फॉर जनरल सबके लिए होगा लेक्चर वो एंड एनीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट बट लेकिन इतना समझ लीजिए आप कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है सेल्फ स्टडी और कोचिंग में कि कोचिंग अगर आप करते हो तो आप फोकस्ड रहते हो आपका टाइम जो है प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है और आप आलतू तो फालतू तो चीज़ें नहीं समझते यू हैव अ रेडीमेड मेंटर या गाइड विद यू तो उससे आप टाइम बचाने की बात ही करना तो खुद ही पड़ता है अल्टीमेटली है ना पढ़ना तो खुद ही है आपने लेकिन हम आपको एक डायरेक्शन में रखते हैं कुछ चीज़ें आसान कर देते हैं आपके लिए और आप उतना ही कम टाइम में तैयार कर लेते हो ठीक है ना तो फर्स्ट ईयर में ये दो प्रायोरिटीज आपकी रहनी चाहिए अब आ जाओ सेकेंड ईयर पे नाउ इन द सेकंड ईयर अब आप सेकेंड ईयर के बिगनिंग से ही एडवांस्ड कुछ बुक्स उठाओगे एडवांस बुक्स उठाओगे ठीक है ना इसमें एडवांस बुक्स में, में देखिए जो सेक्शन है आपके हिस्ट्री uh, है पॉलिटी है ज्योग्राफी है इकोनॉमी है साइंस है ये मेजर सेक्शन है आपके चार बड़े सेक्शन जो हैं जो बड़े बड़े सेक्शन है आपके जो आपके माइनर सेक्शंस हैं वो हैं आपके एनवायरमेंट आईआर, आर सिक्योरिटी गवर्नेंस सोशल इश्यूज, वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स एथिक्स एस ठीक है तो ये आपके सात माइनर सेक्शंस हो गए और जी में इसका अलग लेक्चर भी होगा आगे लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एडवांस जब सेकेंड ईयर की कर रहे हो तो इसमें से आपने कोई भी दो सेक्शन करने हैं बस चाहे ये दो कर लो 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 डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजी दो सेक्शन आपने सिर्फ करने हैं सेकंड ईयर में कवर इसके क्या करना है एडवांस बुक पढ़नी है आपने एडवांस बुक प्लस जो एनसीआर आपने पढ़ी है इसको ज्वाइन करके आपने अपने नोट्स बना लेने हैं नोट्स बना लेने ये बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूं बात ये नहीं है कि सेकंड ईयर में सारा सिलेबस कवर करके बैठ जाओ आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी हुई है तैयारी आपने बिकॉज इट योर माइंड योर इंटेलेक्ट ग्रोज अलॉन्ग विद दी थिंग और आपके पास इफेक्टिवली आठ महीने का टाइम है हर साल में बारह महीने का टाइम नहीं है आठ महीने का टाइम है आपके पास पेपर होने हैं आपके सेमेस्टर के फिर सेमेस्टर की तैयारी भी करनी है बीच में डिस्कटिन्यूटी हो जाती तो है तो इफेक्टिवली आठ महीने आपके मतलब चार महीने आप एक सेक्शन पे लगा रहे हो चार महीने एक सेक्शन पे लगा रहे हो अंदाजन सेल्फ स्टडी पे अगर आप तीन से चार घंटे रोज पढ़ते हो अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो कि पांच से छह घंटे पढ़ रहे हो सेकंड ईयर में कोई हार नहीं है छह घंटे पढ़ रहे हो तो आप दो की जगह तीन भी कर सकते हो ये आपकी मर्जी है लेकिन ऐसा नहीं है कि दस दस घंटे पढ़ रहे हो पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया अब हमने तो कर लिया जी नो नॉट बियॉन्ड थ्री सेक्शन तीन सेक्शन से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं आपको माइंड बेसिकली आपका माइंड को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपका माइंड कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसको कितना सीख रहे हो एक्चुअल में हाउ मच यू आर लर्निंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी जो इंक्रीमेंटल जो कवरेज है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका माइंड ग्रो कर रहा है लेकिन माइंड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है आपने माइंड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है आपने कि आपका माइंड इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है कवरेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये सोचना है कि हाँ मैं कितना सीख पा रहा हूं कितना मेरे को याद हो रहा है क्योंकि इसको आप जब पढ़ोगे तो साथ साथ में रिवाइज भी करना है आपको जो कल किया है उसको रिवाइज करना है जो पीछे कर चुके हो उसको अगले दिन रिवाइज जरूर करना है मतलब डेली एक घंटा बैक रिवीजन पे लगाना है आपको पक्का वो धीरे धीरे माइंड में पक्का होता जाएगा याद होता जाएगा बस करते जाना है रिवीजन बार बार रिवीजन बार बार रिवीजन बार बार रिवीजन ऐसा नहीं है हिस्ट्री एक बार पढ़ लिया फिर उसको उठा के देखा ही नहीं पूरे साल फायदा क्या फिर उसका जो तीन सेक्शन आप ये कर रहे हो ये पूरे तरह कवर्ड होने चाहिए अलोंग विद रिविजन अलोंग विद रिविजन यू कैन डू सम सम्यू प्रैक्टिस आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन प्लीज अभी मेन्स आंसर राइटिंग स्टेज पे स्टार्ट ना करें सेकेंड ईयर में हम मेन्स आंसर राइटिंग रिकमेंड नहीं करते ज्यादा मेन्स आंसर राइटिंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहा है नेट पे भी है कैसे करना है आप आर्ट ऑफ मेन्स आंसर राइटिंग पे कंसेंट्रेट कर सकते हो कुछ बेसिक राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो तो, लेकिन प्रॉपरली मेन आंसर राइटिंग आप सेकेंड ईयर में नहीं कर सकते याद रखिए इस बात को अगर आप कोचिंग ले रहे हो साथ में लेक्चर चलेंगे लेक्चर करके लेक्चर के साथ साथ आप ये सारे सब्जेक्ट तैयार करोगे बात वही रहती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास बुक्स आपको रेफर करनी है खुद पढ़ना है बैठ के खुद अंडरलाइन करके नोट्स बनाना है अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो ठीक है कोचिंग में आपका 70 80 परसेंट काम क्लास में हो जाता है आपके नोट्स बन गए आपको फिर उन नोट्स को इंप्रूव करना होता है आप एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हो बस आप इंप्रूवमेंट स्टेज पे बहुत जल्दी आ जाते हो अलॉन्ग विद कोचिंग ठीक है जी थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो आपके जो बचे हुए मेजर सेक्शन है बचे हुए मेजर सेक्शन लेफ्ट ओवर मेजर सेक्शन थर्ड ईयर में लेफ्ट लेफ्ट ओवर मेजर सेक्शंस और उसके साथ आपकी एनवायरनमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इश्यूज ये तीन सेक्शन आपके कवर होने हैं थर्ड ईयर में करने को सारे कर सकते हो करने को आप छोटे छोटे सेक्शन तो सारे कर सकते हो सब दो सेक्शन बड़े बचे हुए हैं आप साथ में छोटे सेक्शन कर सकते हो लेकिन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कि हां मैंने इतने तीन चार सेक्शन कर लेने हैं कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई आपको कोई नहीं यही करना पहले नो 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 इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ माइंड ठीक है ना अब आप थर्ड ईयर में आगे थर्ड ईयर में क्या प्रायोरिटी आपकी थर्ड ईयर में आप हिंदू उठाओगे तब तक आप न्यूज़पेपर समझ चुके होे कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है नाउ हिंदू विल नॉट वेस्ट योर टाइम आप लेकिन पढ़ना अखबार जरूरी है तो आप हिंदू अखबार उठा लोगे ठीक है ना थर्ड ईयर में प्लस आप वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर दोगे वीकली करंट अफेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे अपना रजिस्टर बनाना शुरू कर दोगे नोट्स बनाना शुरू कर दोगे ठीक है ना प्लस आपका कवरेज ऑफ एस सेक्शन रहेगा कवरेज ऑफ जीएस सेक्शन ठीक है ना अब सेकेंड प्रायोरिटी थर्ड ईयर में रहती है कि आपकी आंसर राइटिंग भी यहां पर शुरू हो जाती है अब आंसर राइटिंग में आप थोड़े से पूरे क्वेश्चन लेने लग जाते हो जैसे सेकंड ईयर में आप जस्ट बेसिक ले रहे हो कि वट इज छोटे छोटे क्वेश्चन की ठीक है मैं अपने हाथ से ला रहा हूं थोड़ा सा नोट्स बनाने की प्रैक्टिस मेरी हो गई है आई एम जस्ट टेकिंग अप लेवल वन क्वेश्चन की लेवल वन के क्वेश्चन में ले रहा हूं लेकिन थर्ड ईयर में अगर हम आप देखें थर्ड ईयर में आएंगे तो आप एक पूरे क्वेश्चन लेने शुरू कर दोगे थर्ड ईयर में आप पूरे क्वेश्चन लेने शुरू कर दोगे लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे उतना ही पढ़ना है जितना मेरा माइंड एब्जॉर्ब कर सके अब थर्ड ईयर के बाद आता है फोर्थ ईयर अब ग्रेजुएशन वालों के लिए फोर्थ ईयर जो बीए कर रहे हैं बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए फोर्थ ईयर फ्री ईयर है मतलब कोई इसके अंदर उसको उनको एग्जाम नहीं देना क्लासेस नहीं करनी कुछ नहीं करना है ना तीन साल ग्रेजुएशन करने के बाद चौथा साल आपने फ्री रखना है अपना अटेम्प्ट थर्ड ईयर के बाद नहीं देना फोर्थ ईयर के बाद देना है मतलब एक साल खाली करके अब जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर आपकी फाइनल रिविजन होगी कंसोलिडेशन जो आपने पहले पढ़ा है उसका कंसोलिडेशन फिर आपका थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में टेस्ट सीरीज चलेगी टेस्ट सीरीज आप दोगे प्रॉपर टेस्ट सीरीज 40 45 50 टेस्टों की फिर आप दोगे मेन प्रीवियस ईयर मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर मेन्स आंसर राइटिंग करोगे और देखो कितना फायदा होता है प्रीवियस ईयर मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आप फोर्थ ईयर में और फिर आप सपोज आप आप 2020 ट्वेंटी ले लीजिए आप तो ट्वेंटी से ट्वेंटी वन आपका फर्स्ट ईयर हो गया ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू आपका हो गया सेकंड ईयर और 23 में हो गया आपका थर्ड ईयर 2024 में हो गया फोर्थ ईयर है ना वन से टू टू से थ्री थ्री से तो चौथे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एग्जाम इट्स मतलब इतनी सॉलिड प्रिपरेशन आपकी होनी है कि आपके होने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम होंगे मैक्सिमम चांसेस होंगे लेकिन प्लीज ऑर्गेनाइज योर प्रिपरेशन प्रॉपरली राइट अब अभी पीडिया का जो मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसका नीचे नीचे लिंक डला हुआ है वो मेंटरिंग जो कोर्स है जो मैं ले रहा हूँ इट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी आप कोई भी मेंटरिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो राइट एंड यू कैन बी इन टच विद बी इन द नेक्स्ट टू टू ईयर थ्री ईयर्स टाइम आप हमारे साथ अभी पीडिया के साथ टच में रह सकते हो तो कोई भी आपके तैयारी के दौरान प्रॉब्लम आती है यू कैन बी यू कैन कम्युनिकेट थ्रू दैट कोर्स विद आस एंड एक आपको हिम्मत रहेगी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आई हैव सम विद मी

आपको फर्स्ट ईयर में ही आपके दो या तीन सेक्शन कर देने खत्म फिर सेकंड ईयर के अंदर आपको बाकी सेक्शंस अपने रेस्ट ऑफ द सेक्शंस खत्म करने रेस्ट ऑफ सेक्शंस। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एनसीआरटी हो गया प्लस टू टू थ्री सेक्शन मेजर सेक्शन और सेकेंड uh, ईयर के अंदर आपका ऑल अदर सेक्शन ऑल अदर सेक्शंस कवर कर देने आपको अगर आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन ठीक है अब अगर आप थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो आपका टू ईयर फ्रेमवर्क है अगर आप सपोज ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो दो साल का फ्रेमवर्क है अब इसमें यही चक्कर पड़ता है कि दो साल का फ्रेमवर्क रखें या तीन साल का रखें मतलब ग्रेजुएशन कर ली खत्म क्योंकि ग्रेजुएशन कर ली खत्म उसके बाद दो साल का ब्रेक लें या एक साल का लें देखिए अगर आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हो तो यू हैव अ रिजनेबल मेच्योरिटी ऑफ माइंड है ना तो आपको जो सारे टास्क आप दो साल में आराम से कवर कर सकते हो ऐसी बात नहीं है कोई यू कैन प्रिपेयर इन टू ईयर टाइम फ्रेमवर्क उसमें क्या है फिर जीएस का वन ईयर में आप रेगुलर पूरा जीएस कवर करोगे जैसे दो महीने के अंदर आप एनसीईआरटी खत्म करोगे टू मंथ्स फॉर एनसीईआरटी एंड देन टेन मंथ्स फॉर जनरल स्टडीज जीएस प्लस ऑप्शनल तो थर्ड ईयर के अंदर आपको अपनी पूरी तैयारी करोगे वन ईयर टाइम फ्रेमवर्क में आठ से दस घंटे लगाओगे ठीक है ना ऑप्शनल भी आप अभी साथ ही में तैयार करोगे एंड जब ग्रेजुएशन खत्म कर लोगे उसके बाद एक साल फिर आप जो लेफ़्ट ओवर सेक्शंस हैं कुछ आपके लूप होल्स हैं वो पूरा एक साल में रिविजन करोगे टेस्ट सीरीज दोगे और फिर अ दोगे ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन खत्म करी उसी वक्त पेपर दे दो क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन के पेपर भी होंगे मई में तो बेसिकली आई डोंट रिकमेंड कि यू गिव एग्जाम फॉर फेलियर है ना कई लोग कहते हैं कि नहीं देखे देख लो कोई बात नहीं एक्सपीरियंस ही हो जाएगा भाई एक्सपीरियंस ही लेना है हमारे मॉक टेस्ट दे लो यहाँ आके बैठ के मॉक टेस्ट दे लो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यूपीएस में कैसा पेपर आना है वाई टू वेस्ट अटैप्ट फॉर दैट मोर देन अटैम्प्ट इट्स अबाउट गेटिंग अ टैग ऑफ फेलियर कि मेरा प्री नहीं हुआ चाहे तैयारी नहीं करी थी लेकिन फिर भी मन में जरूर रहता है कि प्री नहीं हुआ तो ऐसे बिना तैयारी के प्री नहीं देना आपको ये बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि नहीं दे दो देखी जाएगी इतने अटैम्प्ट करने भी क्या है बात अटैम्प्ट की नहीं है देने तो हमने दो तीन अटैम्प्ट ही हैं भाई लेकिन बात यह है कि मुझे ये देखना है कि मैं मेरे होने के चांसेस क्या हैं अगर होने के कुछ चांसेस है तभी देने का फायदा है अदरवाइज क्यों देना है हमने वाई टू गिव अटेम्प्ट वाई टू वेस्ट वन ईयर वेस्ट योर जस्ट मेंटल पीस नहीं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आ ही जाता है तो एक साल में तैयारी करके आपने थर्ड ईयर में अटैम्प्ट नहीं देना है आपको अटैम्प्ट देना है दो साल के बाद मतलब एक साल तैयारी करके एक साल में टेस्ट एंड रिविजन देन यू हैव टू गिव द अटैम्प्ट क्योंकि अगर आप इस तरह से दोगे देन यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द वे आई एम टेलिंग तो जो पी सी एस है एच एस है एच ए एस है बिहार का एग्जाम झारखंड का एग्जाम असम का एग्जाम महाराष्ट्र तमिलनाडु सब तैयार हो गए आपके कुछ कुछ एडिशन्स हैं बस उन एग्जाम्स में वो एक्स्ट्रा तैयार करके आप वो भी एग्जाम दे सकते हो बिकॉज यू आर फुली प्रिपेयर फॉर द कोर जी एस सेक्शन एंड ऑप्शनल एंड एवरी थिंग सी सेट आपकी तैयार है सब कुछ तैयार है कोर सेक्शन आपके तैयार हो चुके हैं एंड देन यू कैन फ्लाई आउट ठीक है ना अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि वो साथ में सी सेट भी इसके जोड़ लें वो थोड़ा सा मैं मिस आ, इसके साथ एक आप सी सेट भी जोड़ लें कि सी सेट की तैयारी आपके साथ में चलती रहेगी कुछ सेक्शंस आपके सी सेट के फर्स्ट ईयर में हो गए कुछ आपके सेकंड ईयर में हो गए कुछ थर्ड ईयर में हो गए सी सेट और कुछ थर्ड ईयर में हो गए सी सेट वो कोई बड़ी बात नहीं है साथ साथ में सी सेट की तैयारी भी आपकी चल रही है इट्स ऑल अबाउट डिविजन रिमेंबर इंटेलिजेंटली काम करना है मेरा काम आपको आपका माइंड तैयार करना है अदरवाइज रियलिस्टिक प्लानिंग वो होती है कि व्हेन द पर्सन प्रिपेयर्स अ प्लान फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ बट द जॉब ऑफ अ टीचर इज टू गिव द चाइल्ड कैपेबिलिटी कि यस यू कैन प्लान एट द सेम टाइम नॉट गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट इफ यू मेक ए प्लान फॉर योर सेल्फ गेट इट रेटीफाइड कि मैंने ये प्लान बनाया इज इट ओके क्योंकि हर इंसान हर इंडिविजुअल यूनिक है एवरी चाइल्ड की जो काम करने की क्षमता है या स्पीड है वो डिफरेंट है मोटिवेशन डिफरेंट है सब कुछ डिफरेंट है तो आपको कोई मैंने आपको ब्रॉड गाइडलाइन दे दी कि हाँ कैसे आप अपने तैयारी को डिवाइड कर सकते हो आपको डिवाइड एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है आपको हर साल में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिनेटली आप खुद डिसाइड करोगे अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने अपनी डिविजन बना रखी है कोई बात नहीं वो फॉलो कर लेंगे हाउ डज इट मैटर ठीक है ना तो लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन की अपना जो प्रेशियस टाइम है आप ग्रेजुएशन का वो उसको आपको यूटिलाइज करना सी सेट के अंदर आप देखिए ना सी सेट के अंदर क्या होता है बेसिकली फर्स्ट ईयर में अगर आप सी सेट कर रहे हैं तो आपका सी सेट के अंदर क्वांट है क्वांटिटेटिव आता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है और कुछ इंग्लिश आती है ये तीन सेक्शन आते हैं आपके सी सेट में बेसिकली क्या करना है डिवाइड करना है हमने इसको क्वांट के अगर 25 टॉपिक बनते हैं अगर आपके लॉजिकल के 15 टॉपिक बनते हैं या 20 टॉपिक बनते हैं और इंग्लिश के आपके 15 टॉपिक बनते हैं मैं 20 टॉपिक बनते हैं इंग्लिश के मतलब मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा जब सी सेट करें तो वाइड कर लें कोई जरूरी नहीं है कि सी सेट हमने सिर्फ अगर यूपीएससी के अंदर सी सेट सिर्फ रीडिंग कॉम्पिटिशन आता है लेकिन और एग्जाम्स के अंदर नाउन भी आते हैं अपनाउन भी आते हैं एडजेक्टिव भी आते हैं बहुत कुछ आता है तो हम थोड़ा सा जब भी सी सेट कराते हैं ब्रॉडर ओरिएंटेशन रख लेते हैं तो हमने करना क्या है कि हम इसी को हम डिवाइड कर लें कि वन थर्ड पार्ट हम फर्स्ट ईयर में कर लें जैसे अगर पच्चीस टॉपिक हैं ये तो ठीक है हमने फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा इजियर हमारा काम आसान हमने काम करना है थोड़ा सा ज्यादा कवर कर लिया दस टॉपिक कर लिए इसके इसके पांच या दस टॉपिक कर लिए इसके पाँच टॉपिक कर लिए ऐसे सेकेंड ईयर में ऐसे थर्ड ईयर में अभी रिसेंटली हमने क्या किया है कि लॉजिकल रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश का हम एक मास्टर कोर्स तैयार कर रहे हैं जो हम थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को देंगे ऑनलाइन अब मास्टर कोर्स में क्या है 300 सौ लेक्चर्स है ना मानसौ पांच सौ तीन सौ लेक्चर्स हैं उसके अंदर सपोज तो आपको तीन साल में वो 300 लेक्चर कवर करने हैं है ना आपको वो 300 लेक्चर जो हैं वो कवर करने हैं तो आप बेसिकली हमने टारगेट ये दे दिया कि आप 100 लेक्चर फर्स्ट ईयर में कर लो 100 सेकंड में कर लो 100 थर्ड में कर लो तो उससे क्या है कि आप बैंक पीओ एसएससी एस एस क्लैरिकल सब लिए आपका ये क्वांट वगैरह तैयार हो जाएगा वो सेंट्रल हमने ये कर लिया अब जिस बच्चे ने मेहनत करनी है जिस बच्चे ने अच्छे से कर लेना है तो उसको लिए अपर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं बस कि ठीक है कोई भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ मैं है ना इसको हम कंप्लीट करियर सिक्योरिटी बोल रहे हैं कि ठीक है आप आई की तैयारी करो साथ में लेकिन अगर साथ में आप हमारा ये मॉड्यूल ले लो कि कंप्लीट कोर्स ले लो तो आप बेसिकली यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि यार कुछ ना कुछ आप जरूर करोगे तो समझ आ गई बात ये, ये, ये सी सेट की ये तीन सेक्शंस हैं तीनों सेक्शंस को डिवाइड करके करना है आपको ठीक है okay ओके okay. तो ये बेसिकली था हमारा कि अब ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी करो देखो इंपॉर्टेंट थिंग एक तो चलो स्ट्रेटजी मैंने समझा दी आपको कि ठीक है आपको डिवाइड करके करना है आपके दिमाग में ये बैठ गई बात कि मेरे को डिवाइड करके करना है और अच्छे से करना है और उतना टाइम लगाना जितना मेरी कैपेसिटी है मेरे को ओवर नहीं करना है ना अंडर करना है कि पढ़े ही नहीं हफ्ते में चार दिन तीन दिन पढ़े नहीं चार दिन पढ़ने लग गए ऐसा नहीं करना है कॉन्टिन्यूटी बनानी है है ना लेकिन ओवर भी नहीं पढ़ना है कि एक दिन में आठ घंटे पढ़ लिए दस घंटे पढ़ लिए बारह घंटे पढ़ लिए क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से बच के रहना है क्योंकि <laughs> मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच के रहना है बिकॉज उनको समझाना है आपको कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो उनको साथ लेके चलना है उनको बताना है कि सर ने ऐसा समझाया है कि इतना इतना आपको हर साल हर साल पढ़ना है ओवर नहीं पढ़ना है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है मैंने कई बार पेरेंट्स की काउंसलिंग करी है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आया अब मेन्यू में दाखिल करा दिया मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ है ना पेरेंट्स आते हैं सर ये तो पढ़ता ही नहीं मैंने कहा अभी कितने घंटे पढ़ता है सर वो दो को भी पढ़ लिया दो तीन घंटे रोज़ पढ़ रहा है बस मैंने कहा तो बहुत है नहीं नहीं सर आई में तो आठ घंटे पढ़ना चाहिए दस घंटे पढ़ना चाहिए पंद्रह पढ़ना चाहिए अरे भाई पढ़ना चाहिए लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में तैयारी करना चाह रहे हो अगर आप एक साल के अंदर पूरी तैयारी खत्म करनी है तो पंद्रह घंटे या बारह घंटे पढ़ना ही पढ़ना है बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर य थ्री ईयर प्लाइन फ्रेमवर्क तो आपको पाँच पंद्रह घंटे रोज नहीं पढ़ना तीन से चार मैक्सिमम पांच घंटे बहुत है तभी आपके ब्रेन की जो एब्सॉर्बशन है वो प्रॉपर बनेगी और जो पढ़ रहे हो आपके दिमाग में जाएगा आपके पास टाइम होगा उसको सोचने का कि हाँ मैंने क्या पढ़ा आज उसको जीने का उस इंफॉर्मेशन को जीने का टाइम होगा आपके पास है ना मतलब जो करना है उसको एंजॉय करना है आप एक पिक्चर देख के आए आपने दो घंटे की पिक्चर देखी एक है ना अब वो पिक्चर देखने के बाद एक टाइम ऐसा होता है कि वेन यू लिव विद मूवी आपके दिमाग में वो पिक्चर चलती रहती है लेट द ब्रेन थिंक अबाउट इट आदत डाल लो उसको सोचने की कि जो पिक्चर देख के आए हो घंटा सोच रहे हो उसके बारे में अच्छा ये हुआ था ये ब्रेन का ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक अगर मैं पिक्चर देख के आया और उसी वक्त किताब खोल के पढ़ने बैठ गया हिस्ट्री अलाउद्दीन खिलजी ब्रेन रिवोल्ट कर देता है ब्रेन कहता है ये क्या हो गया हम ये बात कई बार सोचते नहीं हम पिक्चर देख के आए गिल्ट फील होने पिक्चर देख लिया यार पढ़ना था मैंने तो आई नो 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 इन्जॉय मूवी टाइम रखोगे दो घंटे का पिक्चर है दो घंटे बाद में मैंने नहीं कुछ नहीं करना उसी तरह जब पढ़ रहे हो आप पढ़ के बैठ चार घंटे आपने पढ़ाई करी अब चार घंटे पढ़ के इमिडिएटली आपने टीवी दिखा लिया आपने कोई वेब सीरीज लगा ली आपने कोई मोबाइल पे भाई माइंड को टाइम तो दो उसको एब्जॉर्ब करने का लेट लेट द माइंड थिंक ऑफ दैट दिस वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो जब आप तीन चार घंटे पढ़ते हो डेली तो आपके पास एनफ टाइम ब्रेन के पास होता है उसको एब्जॉर्व करने का अगर आप कॉलेज लगाया कॉलेज के लगा के एकदम पढ़ने लग गए कोचिंग लगा ली क्लासेस सारा दिन आप बिजी हो भागदौड़ कर रहे हो ब्रेन समझ कब रहा है ब्रेन के पास टाइम कहां है एब्जॉर्व करने का तो ऐसे अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं पंद्रह घंटे पढ़ो बारह घंटे पढ़ो एजुकेट दम उनको ये वाला वीडियो मेरा दिखाओ क्या जी आप ये वीडियो देखो पहले एंड दे कैन कमेंट ऑन दिस वो इस पर कमेंट कर सकते हैं मैं उसका आंसर करूंगा उनको आप ये वीडियो दिखाओ लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने बात करी है वही दिखा दो चाहे कि नहीं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो इतना टाइम बहुत है अगर आप सेकंड ईयर से कर रहे हो तो छह घंटे पांच से छह घंटे बहुत हैं डेली इससे ज्यादा नहीं अगर आप थर्ड ईयर में कर रहे हो तो डेफिनेटली आठ घंटे लगाने पड़ेंगे आठ से दस घंटे तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वट इज द टाइम फ्रेम फॉर यू इन द प्रिपरेशन आपके पास टाइम फ्रेम क्या है इस प्रिपरेशन के अंदर ये आपको ध्यान देना है है ना सो विद दिस एंड दिस लेक्चर कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो आप इसमें पोस्ट कर सकते हो आफ्टर इट इज एंडेड तो मेरे पास वो मैसेज आएगा एंड आई विल आंसर इट ठीक है तो हैप्पी प्रिपेयरिंग आप कॉन्फिडेंट रहो प्रिपेयर करो फोकस होकर तैयारी करो जब पढ़ रहे हो तो पूरा टाइम लगाओ पढ़ने में घर में जब पढ़ रहे हो तो नहीं 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 ऐसा नहीं करना है अगर आप देखो पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दोगे तो आपको समझ लेना कि वो दो साल में आप पेपर नहीं दे सकते क्योंकि अगेन वही होगा फर्स्ट ईयर के जब पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होगा तो मई में उसके पेपर होंगे और आपके पास फिर प्री के लिए टाइम नहीं होगा सेकेंड ईयर में फिर वही प्रॉब्लम आएगी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है टेक माई वर्ड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप क्या कर सकते हो ग्रेजुएशन करो अटेम्प्ट दो यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दो दो अटेम्प्ट दो अगर हो गया तो बहुत अच्छा अगर नहीं हुआ तब दो साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उठाओ ताकि उस वक्त आपको ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स हैं हिंडर नहीं करेंगे ऑलरेडी आप पेपर दे चुके हो आपका सारा कुछ तैयार हो चुका है लेकिन आप ग्रेजुएशन के निकलते ही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को तीन साल और पोस्टपोन कर रहे हो ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो चुका है कि वो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं उसके बाद इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लेते हैं और अटेम्प्ट दे नहीं पाते अगले तीन साल तो ऐसा नहीं करना कभी भी कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको ग्रेजुएशन करनी है तीन साल की या चार साल की दो साल अपने पेपर देना है अगर हो गया बहुत अच्छा नहीं हुआ तो दो साल के बाद आपको दो साल के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लेनी है तो आपके अटेम्प्ट रुकेंगे नहीं फिर दो साल के बाद तो मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आप खाली मत बैठो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो एमबीए कर लो एम कॉम कर लो एम ए कर लो जो भी आपका आगे लक्ष्य है अल्टरनेटिव लक्ष्य है उसको परस्यूव करना शुरू करो तब आपके होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कई बार ना कई चीजें क्लिक नहीं करती आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन आप री नहीं क्लियर कर पा रहे तो उसमें कसूर आपका भी नहीं होता क्लिक करने का होता है तो यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम है ना तो उसके लिए कई बार टाइम ज्यादा लग जाते हैं लेकिन आपको यह काम कोई भी कहे तो नहीं करना है आप करोगे तो पछताओगे बाद में यह बात बहुत ही क्लियर है ठीक है जी विद दिस वी एंड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच